खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएन मीडिया, मैं हूँ आपके साथ स्मिता सिंह। तो आज दिन की शुरुआत करेंगे कुछ ब्रेकिंग हेडलाइंस के साथ। सोनीपत नगर निगम चुनाव कराने को मिले शाहमा, नूह को मिला नगर परिषद का दर्जा। अंबाला में डीसी कार्यालय में महिला कर्मी ने जड़ित अधिकारी को थप्पड़, पति ने दफ्तर से बाहर निकालकर घसीट कर पीटा। करनाल में पुरानी सब्जी मंडी चौक पर ट्रैफिक चलानिंग के विरोध के दुकानदारों ने बाजार बंद कर 1.5 घंटे तक किया चौकी के बाहर प्रदर्शन। अंबाला में दिल्ली से अमृतसर हाईवे स्थित काली पलटन पुल के निकट परचून के सामान से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वीरवार सुबह के समय ट्रक चालक दिल्ली से पंजाब की ओर जा रहा था, जैसे ही हाईवे पर जाम लगने के कारण वह सर्विस लाइन की तरफ से मुड़कर गलत दिशा की ओर जाने लगा, तो अचानक से ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया और सीधा वह हाईवे किनारे लगी रेलिंग से टकरा गया। महिला ने यूके के पीएम को किया ईमेल, कहा आर्थिक मदद नहीं मिली तो कर लूंगी आत्महत्या। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस द्वारा भारत में आतंकी हमले के इनपुट अभी भी बने हुए हैं। CANRC धारा 370 और राम मंदिर को लेकर आईएस बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। आईएस की पूरे भारत में करीब 100 जगहों पर एक साथ आतंकी धमाका करने की साजिश थी। बिहार पुलिस ने मुख्यालय स्तर पर हर महीने की 9 तारीख को 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों के कामकाज को प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक पैनल गठन किया है। इसको लेकर सभी जिलों के SP रेल SP को पत्र जारी कर ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची भेजने को कहा गया है। राजस्थान पुलिस के खुफिया विभाग ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुश्ताक अली नाम के एक व्यक्ति को बाड़मेर में जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। अली एक पाकिस्तानी एजेंसी है, पाकिस्तान से सटे सीमाई क्षेत्रों के संबंधित संवेदनशील जानकारी भी दे रहा था। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मुश्ताक अली ने सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य ठिकानों से जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी को दी थी, साथ ही सीमा से सटी BSF पोस्ट के बारे में भी जानकारियां सीमा पर भेजी थी। मंडोली जेल से चल रहे उगाही गैंग का भंडाफोड़, हेड वार्डर समेत 5 गिरफ्तार। ऐसे ही लगातार खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ K9 मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही फेसबुक पर जाके हमारे पेज को लाइक करके जुड़ सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसलिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को देखकर और शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आपके जिला में, आपके राज्य में क्या हो रहा है, आप सब तक पहुंचा सके। तो मेरी दायित्व है कि आप तक न्यूज़ पहुंचाना, आपकी दायित्व बनती है कि आप अपने इर्द गिर्द जो भी वासियां हैं सब तक आप हमारी न्यूज़ को शेयर कीजिए, ताकि एक चेन के थ्रू हम लोग जो है अपनी न्यूज़ दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ हमारे वेब पोर्टल पर भी आप जाके न्यूज़ को पढ़ सकते हैं।